Hello, students. Today, we will take a chapter from our textbook Moments. Chapter number 8 A House is Not a Home. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problem? एक कहावत है इंग्लिश में अ हाउस इज़ बिल्ड बाय हैंड्स बट अ होम इज़ बिल्ट बाय हार्ट्स यानी चार दीवारें खिड़की दरवाज़े घर नहीं होते घर वह होता है जहाँ पर हमारा दिल लगता है तो इस कहानी में ये एक टीनेजर की कहानी है जिसे किसी वजह से अपना घर अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है टीन के क्या प्रॉब्लम होते हैं आपसे बेहतर और कौन जान सकता है आपके ज़माने के प्रॉब्लम्स और हमारे ज़माने के प्रॉब्लम्स में बहुत फ़र्क है आज अपने पास इंटरनेट है मोबाइल फ़ोन्स है वाईफाई कनेक्शन है और अलग अलग ज़रिए से हम हमारे दोस्तों के साथ में संपर्क में रह सकते हैं भले ही फिज़िकल बॉन्डिंग ना हो रोज़ मिलना नहीं हो रहा है लेकिन नेट के द्वारा वाईफाई के द्वारा हम एक दूसरे के संपर्क में तो रह सकते हैं तो ये कहानी एक ऐसे टीनेजर की है जिसे एक नए स्कूल में जाना पड़ता है अपना स्कूल का अपने इलाके का जो स्कूल है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक नए स्कूल में हाई स्कूल में जब वो शिफ्ट होता है वहाँ पर उसे क्या समस्या होती है वह क्या वहाँ के स्टूडेंट्स इसे एज अ फ्रेंड अपनाते हैं या इस बच्चे को रिजेक्शन मिलती है आइए इस कहानी को हम पढ़कर देखते हैं My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स व सेंट टू अ डिफ्रेंट हाई स्कूल आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपके मन में विचार ज़रूर आया होगा कि हाई स्कूल और जूनियर हाई ये क्या है तो ये कहानी जो है वह यूरोप में सेट है यू एस ए फ्रांस इंग्लैंड यहाँ पर जो स्कूलिंग सिस्टम होता है वह अपने स्कूलिंग सिस्टम से बहुत अलग होता है यहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम है वह स्टूडेंट्स के एबिलिटी के हिसाब से होता है ना कि उसके चॉइस के हिसाब से होता है अगर इस स्टूडेंट का एबिलिटी कंप्यूटर साइंस में है तो उसको ऐसे स्कूल में डाला जाएगा जहाँ पर कंप्यूटर साइंस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है गेम्स में है तो उसे ऐसे स्कूल में जा डाला जाता है जहाँ पर स्पोर्ट्स और गेम्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है अगर कोई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लिटरेचर में है तो उसको ऐसे स्कूल में डाला जाएगा जहाँ पे लिटरेचर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है स्कूल्स आप चूज़ नहीं कर सकते आपको स्कूल्स दिया जाता है आपके इलाके में जो स्कूल होगा वही इलाके में आपको जाना पड़ेगा जैसा अगर आप रहते हैं सिविल लाइंस में तो सिविल लाइंस में भवन स्कूल है तो स, जो सिविल लाइंस के जो रहवासी है वो भवंस जाएंगे सदर में जो रहवासी है वो एस एफ एस स्कूल जाएंगे सेंट जॉन स्कूल जाएंगे कॉन्वेंट स्कूल जाएंगे ऐसा इलाके के हिसाब से होता है और यहाँ पर तो स्कूल्स की स्पेशलिटीज़ होती है तो जब ये ऑथर जो है एज़ एज अ चाइाइल्ड एज अ टीन जब वह मिडिल स्कूल से पास होकर हाई स्कूल में जाता है तो उसे दो प्रॉब्लम होती है एक प्रॉब्लम ये कि ये स्कूल एक तो एक तो उसका ये कि अपने मिडिल स्कूल में वह सबसे सीनियर स्टूडेंट्स थे सबके ऊपर आप जानते हैं जब आप सीनियर स्टूडेंट हो जाते हैं किस प्रकार से अपने स्कूल में टेंथ क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स अपना रूआब दिखाते हैं वो फीलिंग जो होती है कि मैं सबसे सीनियर हूँ हम लोग सीनियर हैं, तुम जूनियर्स हो ये फीलिंग एक तो चली गई उसके उस उसके तरफ से उसे जूनियर हाई से हाई स्कूल में डाला गया अब यहाँ पर वो जूनियर हो गया हाई स्कूल में जूनियर हो गया दूसरा ये स्कूल बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रेंज थी उसके लिए स्कूल बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रेंज थी उसके लिए है ना तो स्कूल बिल्डिंग यहाँ का एटमोसफियर और तो और उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी उसके साथ में नहीं थे उसे उसे अलग स्कूल में डाल दिया गया उसके बेस्ट फ्रेंड अलग स्कूल में चले गए आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल दे टोल्ड मी दैट इन Time, I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. So, here, Bacha. अपने स्कूल को इतना मिस कर रहा है कि बार बार वह अपने पुराने स्कूल जाता अपने टीचर्स से मिलता वहाँ के टीचर्स उसे बहुत पसंद करते वह वहाँ के टीचर्स को पसंद करता था तो बार बार जाके वो वह अपने टीचर्स से जाकर मिलता है तो टीचर जैन जिस बच्चे का नाम जो है जैन इस ऑथर का नाम है जैन तो जैन को समझाते हैं कि अपने स्कूल के एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाओ अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उस एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्ट लोगे अपने आप को बिज़ी करोगे तो नए दोस्त बनेंगे और धीरे धीरे करके आप उस एटमॉस्फेयर में ढल जाओगे एक बार उस एटमोसफियर में ढल जाओगे तो हमें भूलना नहीं लेखक जो है जैन जो है समझ जाता है कि इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है लेकिन फिर भी उसके उसको थोड़ा बहुत कंफर्ट इसमें मिलता है कि हाँ अगर मैं किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लूंगा तो शायद मुझे ये नया स्कूल इतना स्ट्रेंज इतना अजीब नहीं लगेगा वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट अ डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अ फायर प्लेस As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. तो लेखक बताता है कि एक संडे आफ्टरनून ये बहुत ठंडी ठंडा इलाका है तो उनका जो हर्थ है घर में जो हर्थ होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ पर ऐसे हत बनाते हैं चिमनी वाले जहाँ पर आग हर वक्त सुलगती रहती है घर को गर्म रखने के लिए वार्म रखने के लिए तो वैसे ही उस खत में उस चूल्हे में आग लगी हुई थी और ये होमवर्क कर रहा था उसका जो टैबी कैट है लाल कलर का टैबी कैट है उस ये बिल्ली को बहुत पसंद करता था वह बिल्ली उसके सारे पेपर्स पे बैठी हुई थी और उसके पेन के साथ खेल रही थी She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled something strange and then noticed it smoke pouring in through the seams of the ceilings. The smoke began to fill the room so quickly. दैट वी कुरली सी तो अचानक से घर में आग लग जाती है और घर पूरा धुआं से भर जाता है ग्रॉपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइन आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस घर में आग पकड़ ली जैसे तैसे वो घर के बाहर निकलते हैं बच्चा जाकर जैन जाकर पड़ोसी से कहता है कि फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करो और उनकी मम्मी जो है वापस घर में जाती है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह जो है घर में जो जलना नहीं चाहिए उसको लाने के लिए माई मदर एन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him. Still, I screamed at her Mom, no So जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद उसके मम्मी वापस से उस घर में जिस जिसमें आग लग गई है उसमें जाते हैं और जाने का कारण क्या है जैन के पापा जब जैन छोटा था वो गुजर गए थे और जैन की मम अपने हस्बैंड की तस्वीरें अपने हस्बैंड के लास्ट लेटर्स जो भी लेटर्स लिखे थे वह सब वापस लाना चाहते थे क्योंकि उसी से वह अपने हस्बैंड को अपने पास महसूस करती थी जैन जानता था कि मम उसे वो सब चीज बचाना चाहती है फिर भी जैन चिल्ला कर कहता कि माँ आप अंदर नहीं जाइएगा आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वैन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक इट वॉज अ फायर मैन आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट्स हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स

और मम्मी को सुरक्षित बाहर निकाले लेकिन उतने में ही एक फायरमैन आके उसे पकड़ लेता है जब वो भागता है भागने की कोशिश करता है तो फायरमैन उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि आप जानते नहीं हो मेरी मम्मी अंदर है लेकिन फिर भी ये फायरमैन उसे पकड़ कर रखता है दूसरे फायरमैन जाके उसको मम्मी उसकी मम्मी की मदद करने के लिए उस जलते हुए घर में जाते हैं इट्स ऑल राइट दे गेट अ ही सैड ही रैप्ट ब्लैंकेट अराउंड मी And sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All the time, I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. She is going to be okay. से द फायरमैन शी जस्ट इन्हील्ड अ लिटल स्मोक एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देर डेज्ड आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट दॉज नथिंग आई कै डू अबाउट इट तो जैसे तैसे वो फायर मैन उसकी मम्मी को घर से बाहर लेकर आते हैं जहन दौड़ते हुए जाता है मम्मी के पास फायरमैन में मतलब कोई बात नहीं उसने थोड़ा सा धुआं इनहेल कर दिया ठीक रहेगी और बेचारे बाहर लॉन पर बैठ कर अपने घर को जलते हुए देखते हैं फाइव आर्स लेटर द फायर फाज फाइनली आउट आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन बट देन इट्स ट्रक मी आई हैडेंट सीन माई कैट वे वॉज माई कैट मस्ट टू माई हॉर्डर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेट बी फाउंड देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम तो अचानक से जैन को याद आता है कि उसकी बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है सोचता है मेरी बिल्ली कहाँ है और फिर अचानक उसको याद आता है कि देखो किस प्रकार से मुसीबत आन पड़ रही है चारों तरफ से मुसीबत ने उसे घेर लिया एक तो नया स्कूल उसके दोस्त फिर इस यहाँ पर ये यह आग लग गई है घर को आग लग गई और अभी ये बिल्ली भी उसकी जो जिस जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है वह बिल्ली भी उसे दिखाई नहीं दे रही द फायर मैन वुडन लेटर्स गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट इट वॉज स्टिल टू डेंजरस dead or alive i couldn't imagine leaving i couldn't imagine leaving without knowing about my cat regardless i had to go we piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fire firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night the next day, Monday, I went to school. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning. But I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined? टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ दैट्स वॉट आई इट फेल्ट लाइक आई डेंट वॉन्ट टू ग्रो अप चेंज ओ है टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे आई जस्ट वॉन्ट इट टू कर्ल अप एंड डाई सो इमेजिन कि ये बच्चा बेचारा उसके घर में आग लग गई है उसके सारे कपड़े जल गए हैं उसकी फेवरेट बिल्ली का कुछ पता नहीं उन्हें अपने ग्रैंड मदर उसके अपने ग्रैंड मदर के घर जाकर अपनी आंटी के जूते उधार मांगकर स्कूल जाना पड़ रहा है कैसा लग रहा रहेगा इस बच्चे को क्या एक दिन उसकी मम्मी उसे घर में नहीं रहने दे सकती थी इतना बड़ा हादसा हो गया और शर्ट भी कौन सा पहना है शर्ट पैंट वही जो संडे में जो चर्च के लिए पहन कर गया था तो जिंदगी से बहुत नाराज़ हो गया था वो सोचता है कि अगर मुझे मेरे साथ किस्मत ऐसा बुरा बर्ताव करेगी तो मुझे जीना ही नहीं है देखो हर किसी के ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जब लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ़ है हर कोई इंसान लड़ खड़ा कर गिरता है लेकिन गिर के उठने वाला उठकर समलने संभलने वाला को ही तो सिकंदर कहते हैं जो जीता वही सिकंदर ज़िंदगी में कभी भी अपने को हार नहीं माननी है इस लेसन से हमें यह सबक मिलता है कि देखो इस इस बच्चे के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ है लेकिन आगे हम चल के देखते हैं कि यही एक दुर्घटना उसके लिए सुघटना हो जाती है जब सारा का सारा स्कूल इसका दोस्त बन जाता है आई वॉक अराउंड I walked around the school like a zombie. Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat, had all been ripped away from me. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एकट फोरह तो अगले दिन स्कूल के बाद बच्चा अपने घर जाता है जो जहाँ पर उसका पहले घर था वह क्या देखता है कि घर पूरी तरह से तबाह हो गया है जो आँख से बच गई थी वह केमिकल्स और पानी से ख़राब हो गई तो जो भी कुछ उसकी मम्मी ने बचाया था बस वही बचा बाकी पूरा का पूरा घर तबाह हो गया और उसके बिल्ली का कोई पता नहीं There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live, and I would have to go buy some clothes for you for school. We had to borrow money from our grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. That week, the rubble that used to be our ho house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away Debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her, at that vulnerable little kitten in the early morning when i would disturb her and get out of bed she would tag along after me climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep i was missing her terribly tui bichara bacha he jab अपने पुराने घर जाके देखता है और घर पूरी तरह से तबाह हो गया उसकी मम्मी बोलते चलो बेटा अपने यहाँ से चलते हैं जाके कुछ नए कपड़े खरीदते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इन्होंने पैसे उधार लिए क्योंकि इनके पास ना क्रेडिट कार्ड था ना कैश था ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिससे आइडेंटिफाई करे और बैंक से पैसा निकाले तो कितनी मुश्किल से ये गुजर रहे थे कितना मुश्किल दौर था इनके पास और इस मुश्किल दौर से वो गुज़र रहे थे और ये बच्चा अपने बिल्ली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था कि वो बिल्ली से बहुत ज़्यादा अटैच था और किस प्रकार से उसकी बिल्ली जब वह स्कूल के लिए तैयार होता है उसकी बिल्ली उसके पास सोती थी तो बिल्ली को भी डिस्टर्ब होता था जब वो उठता है और किस प्रकार से बिल्ली इसका पीछा करती जहाँ जहाँ जाता है बिल्ली इसके पीछे पीछे आ जाती है एक साया की तरह एक परछाई की तरह तो अपनी बिल्ली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट आई वॉज एम्बेरस्ड एज एफ समन एज एफ सम हाउ आई वॉर रिस्पॉन्सिबल वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल दिस वॉज नाट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर तो जैन के साथ में तो और भी बुरा हो रहा है क्यों क्योंकि अब सारे, सारे के सारी नज़र जैन की तरफ है जहाँ भी जैन जाता होगा तो वह दूर से देख कर लोग बोलते देखो वो बच्चा है उसके घर में आग लग गई बेचारा बच्चा देखो वो बच्चा उसके घर में आग लग गई तो ही बिकेम द सेंटर ऑफ एट्रैक्शन एंड ही डेंट वॉन्टेड टू बी देंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर दिस रीजन बुरी खबर जो होती है ना बहुत जल्दी फैल जाती है और तुरंत ही पूरे स्कूल में ये खबर फैल गई कि जैन के घर में आग लग गई और हर कोई देखना चाहता है वो बच्चा वो बदनसीब बच्चा कौन सा है जिसके घर में आग लग गई है जैन को ये बड़ा अजीब सा अटपटा सा लग रहा था The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were miling around me, asking me to hurry up. I thought it strange. But in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost scared me that, it almost seemed that. They were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome with emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made Friends that day. So, see how adversity, how a bad situation, in fact, turned out to be a blessing in disguise. Zen was unable to adjust to the new school. Zen had no friends here. But this tragedy of his house being burnt down, of his cat being missing, of having no clothes to wear. No proper clothes to wear. Turned out to be a blessing in disguise. The entire school became his friends. People who were completely strangers, they became his friends. He was receiving invitations from X and Sundry asking him to come and pay visit to the house. Out of the generosity, the children had collected and brought so many things for him from school notebooks to jeans. And tops and everything that a child ever wishes for. A moment later, I was at my house watching them rebuild it. Rebuild it. But this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up. To all the wonderful people around me. Now, I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walking up to me from behind and say, Does this belong to you? When I turned around to see who it was. I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat, and jumping around. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away her collar had a phone number on it but our phones had been destroyed and disconnected this wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was somehow she knew this cat was loved and sorely missed as i sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. So, finally, the best thing that happened to him was not that he made a lot of friends, but he got back what he yearned for the most, for what he was time and again coming back to his dilapidated house, his burnt down house. He was looking for his cat, the cat who he had rescued as a kitten. See, Strange things can happen. Things which seem impossible can be possible. And here, with a turn of fortune, he not only made a lot of good friends, he also was able to get back his lost cat. The cat, because of the fire, was so freaked out, was so scared, that it ran a mile away from the house. And there, a good kind hearted lady. Not only took care of the cat but took pains to find out the address of this cat to whom the cat belonged. The caller did have the phone number but in the fire even the phones had burnt down. And still this woman took pains to find out because she knew that the cat was a loved cat, that somebody who loved this cat would be dearly missing the cat. So another lesson that we learn here, we should go out of her way to try to help as this gentle lady did she went out of her way she could have easily kept the cat as a pet for herself she said i tried phone gumaya phone lag nahi raha kya karu main billi rak leti Lekin she went out of her way she found out perhaps from the directory to who this number belongs Somehow she must have went somewhere to the post office And found out the address of this house Came to know that the house was burnt down When she saw the house being rebuilt and rebuilt again Then she came here and she handed over the cat So what happiness we can do by a simple act We never know Happiness can never be measured So zindagi mein jitta ho sakhe Humne dusro ke liye जिंदगी आसान करने की ठान लेना चाहिए खुद के बारे में तो हर कोई सोचता है लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है सो वी एंड दिस चैप्टर ऑन दिस नोट स्टे सेफ स्टे एट होम गॉड ब्लेस यू